इनके कौन कौन से कलर्स इनको वेयर करने हैं जो इनको बेनिफिट्स देंगे बिजनेस में, शादियों में, रिश्तों में, ट्रैवलिंग में, ये जरा प्लीज है। इनको बेनिफिट जो होंगे इन चीजों में, रिश्तों में, आपने जो बोला है वो सारी चीजों में, ठीक है सर। पॉजिटिव एनर्जी जो है ना वो अल्लाह ताला इंशाल्लाह एब्सॉर्ब करवाएगा। इनके लिए जो खवातीन हैं इनको चाहिए कि ग्रीनिश कलर जो है वो वियर करें, ग्रीनिश कलर की चीजें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अली, एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, रंग रोशनी खुशबू के इस्तेमाल और कुरान और हदीस की मदद से आप लोगों के जो भी जायज मामला आते हैं उसका इलाज करते हैं। आज का टॉपिक, हमेशा से हम एक सीरीज लेके चल रहे हैं डॉक्टर साहब के साथ, इस बार फिर 21 नवम्बर से 21 दिसंबर, जो कि आने वाली 21 नवंबर और 21 दिसंबर एक महीने का टाइम होगा, इसमें हम पूछेंगे डॉक्टर साहब से 12 के 12 जोडिक साइन ने कौन से कलर्स पहनने हैं, किस चीज कलर पहनने से उनको कौन कौन सी चीजों में फायदा होगा, क्या क्या बेनिफिट्स होने जा रहे हैं। ये टाइम 21 नवंबर से 21 दिसंबर के दरमियान आएगा। अगर आप वो कलर पहनेंगे, वेयर करेंगे या कोई भी रुमाल कपड़ा अपने पास रख लेंगे तो वो चीज आपकी हो जाएगी। ये एक छोटा सा कामयाबी का एक, आप समझ लें कि हम हर महीने आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी, आप ठीक हैं? जबरदस्त सर, ठीक ठाक सर। आप तो बल्कि रंग रोशनी खुशबू से इलाज भी करते हैं जी लोगों का, तो ये रंग के जो राज हैं ये भी जरा आज हम खोलते हैं दोबारा से, कि जो 21 नवंबर से 21 दिसंबर तक के जो जोडिएक हैं, एरिस टू पाइसिस, इनके कौन कौन से कलर्स इनको वेयर करने हैं जो इनको बेनिफिट्स देंगे बिजनेस में, शादियों में, रिश्तों में, ट्रैवलिंग में, ये जरा प्लीज बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। वैसे तो फिजा में इस वक्त स्मॉग है बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, गला भी डिस्टर्ब हुई, आवाज बदली हुई, हां मगर ये है कि ये तो खैर मैन मेड डिजास्टर है ना, इंसान की वजह से है। अगर ये है कि कॉस्मॉस के अंदर पूरी दुनिया में ना एनर्जीज जो हैं उनके पैटर्न्स जो हैं वो डिफरेंट कलर्स को फेवर कर रहे हैं, बिल्कुल डिफरेंट ज़ोडियक साइंस के लिए। लाइक एरीज की हम बात कर लेते हैं, मेल के लिए डार्क ब्राउन, डार्क ब्राउन मेल के लिए ठीक है, बेस्ट कलर है। अच्छा पहन लें डार्क ब्राउन, जैसे ये स्ट्रैप है ठीक है, कोई वॉच ठीक है, कोई ऑर्नामेंट, कोई डेकोरेशन पीस, ऑफिस में तो सामने रख लें कुछ चीज, ऐसे भी होता है हाँ, या पॉकेट में रख लें रुमाल, पॉकेट में रख लें ठीक है ठीक है। और खवातीन के लिए सुर्ख रंग, रुक सब ये एक महीने के अंदर अंदर कितनी दफा वेयर करें, एक चीज मुस्तकिल रख लें अपने पास। अच्छा। आपका आई कांटेक्ट, रेटिना आपका जो है उसका कांटेक्ट जो है डार्क ब्राउन, आईलिड्स का वो होना चाहिए, एरीज का डार्क ब्राउन मेल के लिए, मेल के लिए, फीमेल के लिए रेड कलर, रेड कलर जी ओके। उसके बाद आ जाता है इनको बेनिफिट जो होंगे इन चीजों में, रिश्तों में, आपने जो बोला है वो सारी चीजों में, ठीक है सर। पॉजिटिव एनर्जी जो है ना वो अल्लाह ताला इंशाल्लाह एब्सॉर्ब करवाएगा, क्योंकि देखें बहुत सारे इस वक्त प्लेनेटरी ट्रांजिट्स जो हैं वो पॉजिटिव नेगेटिव चीजें कर रहे हैं, अल्लाह के हुक्म से कर रहे हैं, ऐसे ही है सर। अल्लाह रब्बुल इज्जत का करोड़ हा जो है वो निजाम है, उसमें से एक छोटा सा सिस्टम ही एस्ट्रोलॉजी है, तो इसको भी देख लेते हैं ठीक है। अच्छा फिर उसके बाद दूसरा जो आता है बुर्ज वो आता है टॉरस, सौर टॉरस ठीक है जी। इनके लिए लाइट ब्राउन कलर जो है वो मेल हजरात के लिए ठीक है, मतलब मेल के लिए, और कैमल कलर जो है वो खवातीन के लिए, खवातीन के लिए ठीक है। अच्छा जी उसके बाद आ जाता है जेमिनाई, जेमिनाई व्हाइट कलर जो है वो मर्द हजरात के लिए, ऑफ व्हाइट जो है वो खवातीन के लिए ठीक है। उसके बाद कैंसेरियंस जो हैं दोनों के लिए आसमानी नीला रंग जो है, ब्लू, लाइट ब्लू कलर, कोई भी जैसे मैंने स्काई ब्लू, नहीं ये स्काई ब्लू नहीं है, दिस इज नेवी ब्लू, नेवी ब्लू है स्काई ब्लू, स्काई ब्लू कैंसेरियन मेल और फीमेल दोनों के लिए हाँ जी ठीक है। और जो लियो हैं उनके लिए पीला रंग या गोल्डन रंग ठीक है। अब गोल्डन खवातीन पहन सकती हैं, पीला भी पहन सकती हैं ठीक है। मेल अगर येलो पहनना चाहें तो अच्छा है। ये कौन से हैं? लियो, लियो वाले जी, लियो ठीक है। ये ढोल वाले सुन ले वो पहने, ढोल वाले लियो जो होंगे ढोल बजाते हैं उन्हें पीला पहना होता है ज्यादातर। अब आप मजाक तो ना करें, ऐसे कह रहा हूँ उनके लिए भी इधर प्रोग्राम है सब जॉडी को। अच्छा अच्छा सही है, ढोल वालों को क्यों सुना रहे हैं? तो वो अच्छा, वो असल में फलक साहब का ना कॉन्ट्रैक्ट होता है, सैरियों में ये प्रोग्राम कम कर रहे होते हैं ये अपना।
अच्छा अब मैं दूसरा जगा रहा हूं, अच्छा काम है लोगों को स्वाद हाँ, तो जगा रहे होते हैं जी बिल्कुल। कई लोगों की बैलें बजा के अभी तक भागते हैं जी फलक साहब, आप क्या बताएं, बहुत सारी स्टोरीज हैं। कभी डॉक्टर साहब छोटे होते कहते थे हजरत सैरी का टाइम खत्म हो गया, 5 मिनट में अपनी तरफ से दे रहा हूँ। हाँ सही बात है। और एक दफा क्या हुआ, फलक साहब ना रोजा रख बैठे ठीक है, रोजा रख ही बैठे फलक साहब। अच्छा अब सुबह के बजे ना जब 11, फलक साहब तो परेशान हो गए, तो ये मैंने क्या कर लिया, अब खजूरें रख ली फलक साहब ने को 4-5 अपने सामने, और पीटे उस टाइम को जब सैरी की थी। खैर वो अल्लाह की तरफ से कुछ ऐसे हुआ, अब ये इंतजार कर रहे थे कि बस कब हो इफ्तार। मस्जिद में ऐलान हुआ किसी के फौत होने का, जैसे वो होता ना हजरात, तो ऐसे हुआ फलक साहब ने रोजा खोल लिया। चले तो फलक साहब तो माशाल्लाह जबरदस्त आदमी है, डॉक्टर साहब बहुत अच्छे इंसान। आपको कोई शक है? बिल्कुल नहीं, मैं आपके साथ हूँ सर। अच्छा ये देखे, मैं आपके साथ हूँ। और नहीं आपके साथ ठीक। अच्छा बहरहाल आप लोग एंजॉय कर ले तो तब भी मेहरबानी। बड़े जबरदस्त सिंगर भी हैं, ये किसी को नहीं पता राज अभी। मैं आपको किसी डॉक्टर से बहुत रिक्वेस्ट करता हूँ। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, किशोर को बड़ा अच्छा गाते हैं। अच्छा, जी बहरहाल ये किसी दिन फलक साहब आप बदला ले रहे हैं? नहीं बदला नहीं ले रहा, चल बदल के ले रहा हूँ। हाँ वो है ना कि डॉक्टर साहब बाकी बड़े अच्छे सिंगर हैं, और ये एक अपना एक हर बंदे की हॉबी होती है। फलक साहब ने बदला ऐसे लिया है मेरे से कि ना एक सरदार जी और एक जो था ना मतलब जो गाने बजाने वाले लोग होते हैं, बड़े बारीक लोग होते हैं, तो वो हर बात का ना उनका जवाब देने का एक अपना एंगल होता है। तो वो सरदार जी जो थे ना वो गली में आए, फलक साहब ने बदला ऐसे लिया, उन्होंने देखा कि जो वो खान साहब हैं दीवार घर की ऊंची कर रहे हैं, पर दीवार टेढ़ी थी। उन्होंने अपना खान साहब को कहा, सरदार जी ने, ओ खान साहब दीवार कंध जड़ी बना रहे जे वो टेढ़ी है। अच्छा अब वो ना जो खान साहब थे ना उन्होंने सरदार जी को देखा, उन्होंने कहा पिछले साल तेरी कुड़ी नाइया दे मुंडे नाल नस गई सी, मैं तेनू कुछ किया तो बदला ले लिया। अच्छा चले बहरहाल अब हम आ जाते हैं जी अगला जो है वो है सुंबला। वर्गो लोग प्रोग्राम भूल गए होंगे। नहीं 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 वर्गो की तरफ आते हैं। अच्छा वर्गो सुंबला जो है ना जी, इनके लिए जो खवातीन हैं इनको चाहिए कि ग्रीनिश कलर जो है वो वियर करें, ग्रीनिश कलर की चीजें, सब्जी जो है। अच्छा वो हाँ, भी सर इसमें खाने पीने की चीजें भी। अच्छा डार्क ब्राउन जैसे आपने कहा, तो उसमें अगर आलू है एरीज के लिए तो वो खा सकते हैं। आलू कौन सा डार्क ब्राउन होता है फलक साहब? डार्क ब्राउन भी आ जाते हैं, या पिंकिश होता है या लाइट, बाहर से तो होता है ना ब्राउन टाइप। फलक साहब रोस्ट करके आप खाते हैं इसलिए जो है, इसलिए वो डार्क वो खा सकते हैं। अच्छा जामनी कलर जो है मर्द हजरात ठीक है पहने, या जामनी कलर के ऑब्जेक्ट्स जो है वो अपने पास रखें, जामनी रंग के पौधे जो है वो काम कर सकते हैं, आर्टिफिशियल भी चल सकते हैं। हाँ कलर्स जो कलर्स होने चाहिए, नेचुरल हो जाए तो ज्यादा अच्छा ठीक है। अच्छा उसके बाद आ जाता है लिब्रा खवातीन के लिए पैरेट ग्रीन कलर, और मर्द हजरात के लिए क्रीम कलर ओके ठीक है जी। अच्छा स्कॉर्पियो वाले जो हैं मेल, उनके लिए रेड कलर, सॉरी फीमेल के लिए रेड कलर, और जो मेल हैं उनके लिए ऑरेंज कलर। लाइट ऑरेंज भी पहन सकते हैं, डार्क भी, मीडियम ऑरेंज भी, तीनों गुड है ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी सेजिटेरियस। सेजिटेरियस के लिए फिरोजी रंग खवातीन के लिए, और पीच कलर आड़ू रंग जो है वो है मर्द हजरात के लिए ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन वालों के लिए ब्लू कलर ठीक है, ये वाला ये मर्द हजरात के लिए, खवातीन भी पहनना चाहे तो नो इश्यूज ठीक है। और जो है ना इंडिगो, ये असल में इसकी हम बेस देखते हैं तो वो ब्लू है, मगर ये जामनी रंग होता है, अरगवानी भी इसको कहा जाता है, इंडिगो ठीक है, मिडनाइट ब्लू भी कहा जाता है इसको ठीक है। अच्छा इसके बाद ये खवातीन के लिए ठीक है सर, दोनों पहन लें, मतलब खवातीन हजरात दोनों पहन सकते हैं। अच्छा फिर एक्वेरियंस जो है ना इनके लिए वो है ग्रुया एशियाटिका, फाल्सा रंग हाँ फाल्सा तो समर का एक वो फ्रूट है ना, यानी फाल्से भी जेब में रख लें कलर अगर वही है। ये फलक साहब से खरीदने हैं अभी, फाल्से इन्होंने फ्रीज किए हुए, शेख साहब है ना, डॉक्टर साहब कलर ही है ना जेब में भी। हाँ हाँ जी बिल्कुल,
فالسی رنگ کا رومال استعمال ہو سکتا ہے, اسکارف ہو سکتا ہے, بینڈ یوز ہو سکتا ہے, فالسی رنگ کی جو چیزیں ہیں اپنے کمرے میں آپ رکھ سکتے ہیں, اور جن ممالک میں اویلیبل ہے جنہوں نے فریز کیا وہ فالسے کا جوس پیے, جوس پیے, ٹھیک ہے, بڑا فائدہ دیتا ہے یہ. اور ایکویرینس جو مرد حضرات ہیں اگر بلیک کلر پہنے تو ان کے لیے ٹھیک ہے, بہت اچھا کلر ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ خواتین اور حضرات دونوں کالا رنگ فالسا رنگ جو ہے ایکویریس وغیرہ پہن سکتے ہیں. اچھا اب پائسیز لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ والا کام آتا ہے. پنک کلر جو ہے نا, لائٹ پنک کلر مرد حضرات پہنے, لائٹ پنک, اچھا ٹھیک ہے, یا پہنے نہ اگر تو اپنے استعمال میں لا سکتے, مطلب رومال رکھ لیں یا کوئی چیز اس طرح کی اپنے سامنے رکھ لیں, یا ٹاول ہو جائے, ایسے ہو جائے, ہاں ٹاول استعمال کریں, مطلب دے شوڈ گیٹ ان ٹچ ود دس لائٹ پنک کلر, یا سوپ ہو جائے روز اس سے, مطلب کہ فیس وغیرہ بس پنکش, لائٹ پنکش چیزیں جو ہے نا, ٹھیک ہے, وہ اس کو دیکھیں ضرور پنک, لائٹ پنک کلر کو. اچھا اس کے بعد جو خواتین ہیں ان کے لیے ڈارک پنک جو ہے نا, ٹی پنک جس کو کہا جاتا ہے, وہ اگر استعمال کرتی ہیں, ٹھیک ہے, کپڑے اس کے ہیں یا آبجیکٹس ہیں. اچھا سر صحیح ٹیریز کا میل کا کیا بتایا تھا آپ نے؟ ٹرکوائز, فیروزی رنگ, فیروزی رنگ, اوکے فیروزی صحیح ٹیریز میں نے, ٹھیک ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب میل کے لیے میں نے پیچ بتایا تھا, پیچ بتایا, خواتین کے لیے ٹرکوائز بتایا تھا, اوکے صحیح ٹیریز جو ہے, ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کچھ لوگوں کے کلرز اپنے فیورٹ بھی ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار ہم یہ ویئر کریں, اب یہ تھوڑی ہے کہ پورا مہینہ یہ پہنے رکھنا, بھائی پہنے اس کو ضرور, پہنے ایک دفعہ, پہنے دو دفعہ پہن لیں, ایک دفعہ پہن لیں مہینے میں, دو دفعہ پہن لیں, مگر یہ ہے کہ چیزیں جو ہیں ان کلرز کی وہ ضرور, کچھ چھوٹے کینڈلز مل جاتی ہیں, ہاں وہ اس طرح کی رکھ, یا بینڈ بھی پہ, فرینڈشپ بینڈ مل جاتے ہیں وہ پہن سکتے ہیں, فرینڈشپ بینڈ کا تو مطلب وہ ملتے ہیں بازار سے, ڈوری وغیرہ جو, اچھا ویسے پوچھ رہا ہوں, بچوں کو چھوٹے ہوتے ہیں سر, صحیح صحیح, اب آپ بہت بوڑھے ہو گئے. نہیں نہیں یہ بتائیں سر, یہ جو کلرز کئیوں کے فیورٹ بھی ہوتے ہیں کہ یار میرا یہ فیورٹ کلر ہے, تو مجھے یہ بتائیں کہ ان کے لیے نیگیٹو کلرز بھی پہ بھی ٹاپک کسی دن اگر ہم کریں کہ جس سے انہوں نے بچنا ہے یا ان کو دیکھنا, چلیں ہم نیکسٹ انشاءاللہ اگر اللہ کا, اس کی بھی ریمیڈی دیں گے آپ کہ اس کلر کو نہ پہنے, یا ایریز ہے تو جیسے آپ نے پوزیٹو بتایا کہ نیگیٹو سے بچنا ہے, ہم اس کا بھی بتائیں, احتیاط جو وہ کرتے ہیں, احتیاط احتیاط جو ہے ہم کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے سر, تھینک یو سو مچ سر, ویلکم. ناظرین ڈاکٹر صاحب بہت فنی بھی ہیں اور بڑے ہم مذاق کر رہے ہوتے ہیں بیک اینڈ پہ, آپس میں ہمارا ہے اور بڑے اچھے ڈاکٹر صاحب, ان کے ساتھ بڑا مزہ آتا ہے, بہت اچھے انسان ہیں فلک صاحب, اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے سر, زندگی دے, بہت سے لوگ آپ سے بہت پیار بھی کرتے ہیں, ہماری آڈینس اور آپ کو دیکھنے والے, اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے, سلامت رکھے, آمین, دین اور دنیا کی آسانیاں دے اللہ تعالیٰ آپ سب کو, ہمیں دیکھتے ہیں, انکریج کرتے ہیں, بالکل, اچھے کمنٹس کریں, برے کریں, آپ ہمارے ہیں اور ہم آپ, ہم آپ کے, سر تھینک یو سو مچ, چینل کو سبسکرائب کیجئے, بیل آئکن دبائیں تاکہ ویڈیو جیسے ہی لگے آپ لوگوں کے پاس موبائل میں خود ہی پہنچ جائے. اپنا خیال رکھیں, ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, اللہ حافظ, اللہ حافظ, اللہ حافظ.